हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट है वो है इलास्टिक थ्योरम्स एंड एनर्जी प्रिंसिपल्स। ओके, इस यूनिट में हम कुछ इलास्टिक थ्योरम्स पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, कैस्टिग्लियानो थ्योरम, बेटीज थ्योरम, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ ये थ्योरम्स होंगी, ये पढ़ेंगे। साथ में हमारे पास इसमें स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, तो वो भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेन एनर्जी से। तो स्ट्रेन एनर्जी, आपने 100 में पढ़ा होगा इसके बारे में। स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास क्या हुआ, तो इसको समझते हैं पर एग्जांपल के थ्रू। देखिए, आप अज्यूम कीजिए कि मान लो आपके पास क्या है, एक स्प्रिंग है, ठीक है ना। एक आपके पास स्प्रिंग है, तो आपने क्या कर रखा है कि उसके एक एंड को आपने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है, एक उसका जो दूसरा एंड है आपने उसको राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो कि राइट हैंड से उस स्प्रिंग को कुछ डिस्टेंस तक एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक। देन आपने क्या किया कि जो आपने राइट हैंड से एक्सपेंड कर रखी थी स्प्रिंग को, आपने राइट हैंड से उसको रिलीज कर दिया। देन क्या होगा, जो वो स्प्रिंग है वो एक इम्पैक्ट के साथ क्या आएगी, लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी, है ना। एक इम्पैक्ट लगाएगी लेफ्ट हैंड की तरफ, ओके। तो उस पर जो ये इम्पैक्ट जनरेट करने की पावर आई, वो कैसे आई, वो उसमें आई एनर्जी स्टोर होने की वजह से। जब हमने उसको इलास्टिकली क्या किया, खींचा किसी डिस्टेंस तक, तो वो उसमें डिफॉर्मेशन आई, और इस डिफॉर्मेशन के कारण उसमें क्या आई, एक एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है ना। तो जो एनर्जी स्टोर हो रही है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोल रहे हैं। और इसी स्ट्रेन एनर्जी के थ्रू क्या कर रहा है, वो एक इम्पैक्ट लगा रहा है लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है ना। तो इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ मैंने, व्हेन एन इलास्टिक मेंबर इज डिफॉर्म्ड अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल लोडिंग, द मेंबर इज सेड टू बी हैव एनर्जी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये एनर्जी स्टोर हुई है उसमें, इसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेन एनर्जी बोल देंगे, ठीक। अब देखो, उसके बाद लिखा हुआ मैंने, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाई ए मेंबर सो डिफॉर्म्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्सेज टू प्रोड्यूस द डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि हमारे पास जो उस स्प्रिंग में या फिर हमारे पास कोई भी बॉडी है, उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी इक्वल हमारे पास, जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है आपने, उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो डिफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है आपने, और उसके कारण जो वर्क डन हो रहा है उसको डिफॉर्म करने के लिए, उसी एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी होगी उस बॉडी में, ओके। अब हमारे पास एक इसका थ्योरम बता रहा हूँ मैं, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू एक्सियल लोडिंग के कारण, ठीक है ना। तो आपके पास ये आपके जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हुए थे आपके पास, है ना, जो हमारे पास पिछले साल जो पेपर हुए थे उसमें आपके पास ये पूछी हुई थी थ्योरम, तो इसको देख लेते हैं, और इसी थ्योरम के बेस पे हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। तो देखो, हमने क्या कर रखा है, एक इलास्टिक मेंबर माना हुआ है। जैसे हमको यहाँ पे इलास्टिक मेंबर है, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। एक हमारे पास इलास्टिक मेंबर है, ठीक है ना। एक एंड से मैंने इसको फिक्स कर रखा है, और दूसरे एंड पे आप देख रहे होंगे मैंने क्या कर रखा है, इस पे लोड लगा रखा है W, ओके। तो ये जो ये लोड W लग रहा है इसमें, इसके कारण क्या होगा, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगी, है ना। हमारे पास जो ये प्रिज्मेटिक बार है, ये क्या होगा, नीचे की ओर डिफॉर्म होगा, ठीक है ना। तो जो उसके बगल में मैंने दिखा रखा है, ये क्या है, इसकी डिफॉर्मेशन को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना डिफॉर्म हो रखा है, यहाँ पे देखिए डेल्टा, है ना। हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, वो स्टार्टिंग में केवल इतना था, लेकिन हमारे पास जब उसमें लोड लगा, देन इसकी हमारे पास कुछ लेंथ बढ़ गई, ठीक है ना। पहले हमारे पास इनिशियल लेंथ हमारे पास एल थी, देन हमारे पास कुछ जो डेल्टा एल है ना, या फिर हमारे पास जो डिफॉर्मेशन और की कितनी है, ये डेल्टा जो मैंने उसके बीच में लिखा हुआ है, ठीक है ना।
तो इसमें हम देखते हैं आगे, तो देखिए हमारे पास जो ये एक्सटर्नल लोड लगा रखा है, तो इसके कारण कुछ एक्सटर्नल वर्क डन होगा, ठीक है ना। इस बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन होगा, ठीक है ना, ताकि इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ पाए। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो हमारे पास क्या होगा, वो लिखा हुआ मैंने हाफ लोड इंटू डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, हाफ लोड इंटू डिफ्लेक्शन। तो लोड हमने क्या लगा रखा है, W लगा रखा है, ठीक है ना, वो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, लोड W लगा रखा है। और हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो कितनी आ रखी है, यहाँ पे देखो ये डेल्टा आ रखी है, ठीक है ना। इनिशियल इसकी लेंथ इतनी थी ना, देन हमारे पास क्या हो गया, ये लेंथ बढ़ के यहाँ तक पहुँच गई, है ना। तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है कितना है, डेल्टा है। तो लोड इंटू डिफ्लेक्शन, लोड हमारे पास डब्ल्यू है, डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है, डेल्टा है, ठीक है। नाउ अब देखो एक्सटर्नल वर्क डन को मैंने क्या माना हुआ है, डब्ल्यू ई लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये डब्ल्यू ई यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सटर्नल वर्क डन, डब्ल्यू ई मीन्स एक्सटर्नल वर्क डन। अब देखो इस एक्सटर्नल वर्क डन के कारण हमारे पास क्या होगा, बॉडी में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी, है ना, एक एनर्जी स्टोर होगी बॉडी के अंदर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी। तो हमने वो माना हुआ है डब्ल्यू आई, ठीक। और हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी बॉडी में वो किसके इक्वल होगी, वो एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल होगी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू आई होगा, ठीक है ना। देन आप लोग यहाँ देखिए, देखो जो हमारे पास ये आपने डब्ल्यू लोड लगा रखा है, ठीक है, उसके कारण हमारे पास क्या है, एक इसमें टेंशन जनरेट होगा बॉडी के अंदर, ठीक। तो उसको मैंने माना हुआ है एस, ठीक है। और उसकी जो एस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जितना मैंने उसमें लोड अप्लाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने साथ में लिखा हुआ है कि फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द मेंबर एस इज इक्वल टू डब्ल्यू, है ना। अगर हमें इक्विलिब्रियम में रखना है बॉडी को, तो हमारे पास उसमें टेंशन जनरेट हो रहा है वो क्या होगा, डब्ल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। देन आपको पता ही है कि इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस हमारे पास होता है लोड अपॉन एरिया, है ना। हमारे पास यहाँ पे लोड क्या ले रखा है, हमने एस ले रखा है। तो मैंने अभी क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, एस अपॉन ए यानी लोड अपॉन एरिया, ये यहाँ पे इसको शो कर रखा है, ठीक है। जो इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा उस टेंसाइल स्ट्रेस के कारण, ठीक है ना, तो वो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है ये चीज, ठीक है। देन आपके पास जो उसमें स्ट्रेन जनरेट होगा वो कितना होगा, आपको आपको पता है हुक्स लॉ हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस वेलोसिटी ई इंटू स्ट्रेन होता है ना। तो हमारे पास स्ट्रेन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास ये स्ट्रेस है, ठीक है ना, स्ट्रेस अपॉन ई होगा, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, ठीक है ना। अब आपको पता है सिग्मा हमारे पास क्या है, स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की वैल्यू हमारी क्या होगी, लोड अपॉन एरिया, ओके। तो एस अपॉन ए बन गया इधर साइड का, और बाकी ई उसमें है ही, है ना, तो लोड अपॉन एरिया बना हुआ ही है। देन आपको इसमें निकालना है चेंज इन लेंथ ऑफ मेंबर, ठीक है ना। हम ये जो सारा प्रोसीजर कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये निकाल पाएं कि हमारे पास एक्चुअल में डिफ्लेक्शन कितना हुआ मेंबर में उस डब्ल्यू लोड के कारण फिलहाल, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ ऑफ मेंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ। ये कहाँ से आया, देखो हमारे पास आपको पता है स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है ना। तो यहाँ पे हमने चेंज इन लेंथ क्या माना हुआ है, पूरा डेल्टा माना हुआ है, ठीक है ना। तो डेल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ई इंटू एल हो जाएगा ना, डेल्टा इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि डेल्टा इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। तो ई हमारे पास क्या है, ये हमने ऊपर कैलकुलेट करके रखा हुआ है, यहाँ पे देखो एस अपॉन ई आ रखा है ये, इसकी वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे एस की वैल्यू रखी, ई की वैल्यू रखी, और एस एल अपॉन ई आ गया हो, ओके। देन हमारे पास स्टार्टिंग में आपको बता रखा मैंने कि आपका स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगा जो इंटरनली मेंबर में, वो क्या होगा, इक्वल टू जो उसमें एक्सटर्नल वर्क डन होगा,
ओके, तो आपको पता है कि एक्सटर्नल वर्क डन हमारे पास कितना लिखा हुआ मैंने, 1/2 लोड इनटू डिफ्लेक्शन, है ना, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ। फिर यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ 1/2 लोड इनटू डिफ्लेक्शन, ओके, ये हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू है। देन देखो यहाँ पे W हमारे पास उसमें अप्लाइड लोड था, उसके कारण हमारे पास क्या आ रहा था, एस टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही थी, उसमें टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा था, ठीक है, तो W जगह मैंने S लिखा हुआ है, और हमने यहाँ पे ये इसकी वैल्यू निकाली हुई है SL/AE, वो मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक। तो हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी हो जाएगी, S²L/2AE, ठीक है ना, या फिर S की जगह हम W रख दें जो हमारे पास एक्सटर्नल लोड लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, W²L/2AE, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपने वैसे सॉम में पढ़ा होगा, ठीक। और आपने ये भी आपने सॉम में पढ़ा हुआ है, आप निकालता हो ना डिफ्लेक्शन जैसे को लो PL/AE, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सॉम में, है ना, PL/AE, जो हमारे पास P क्या होता है, लोड होता है हमारे पास जो लग रहा है, L हमारे पास लेंथ ऑफ मेंबर होती है, एरिया हमारे पास A हो गया, और ये हमारे पास क्या है, मोलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम आगे फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसी कारण एक हमारे पास ये भी है, देखो अगर हम स्ट्रेन एनर्जी लेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, तो वॉल्यूम क्या हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इसको हमारे पास क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ ही होता है ना, एरिया इंटू लेंथ को हम वॉल्यूम ले सकते हैं, तो इसको डिवाइड करूंगा अगर हमारे पास, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा σ²/2E लास्ट में, है ना। तो हमारे पास साथ में क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ओके।